नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अक्षिता सिंह। दोपहर के 12 बजने को हैं। हम बात करेंगे इस वक्त की अहम खबर की। बॉलीवुड में गायक से अभिनेता बने सोनू निगम को अंडरवर्ल्ड से धमकियां मिल रही हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सोनू निगम को छोटा शकील ने धमकी दी है। बताया जा रहा है कि सोनू निगम को छोटा शकील ने कई फोन कॉल्स किए और SMS भी भेजे हैं। छोटा शकील ने सोनू निगम को अपना पिछला करार तोड़कर नई कंपनी से करार करने की धमकी दी है। डॉन चाहता है कि जिस कंपनी से करार के जरिए सोनू निगम वर्ल्ड टूर पर जाने वाला था, उसे करार रद्द कर सोनू उस कंपनी के साथ जुड़ जाए जिसे छोटा शकील पसंद किया करता है। छोटा शकील ने कहा है कि अगर सोनू निगम ने उसकी बात नहीं मानी तो वो सोनू को एक्सपोज कर देगा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक डॉन छोटा शकील ने कहा है कि सोनू निगम की मुंबई की एक महिला से दोस्ती को वो जग जाहिर कर देगा। ये महिला मुंबई के एक रसूखदार परिवार से जुड़ी है। हालांकि इस मामले में सोनू निगम ने अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है, लेकिन जल्द ही वो शिकायत दर्ज कराकर अपने लिए सुरक्षा की मांग भी करने वाले हैं। तो बड़ी खबर मुंबई से, जहां पर छोटा शकील लगातार सोनू निगम को धमकियां दे रहा है। सोनू निगम 2014 में वर्ल्ड टूर की योजना बना रहे हैं और इस दौरान वो अलग अलग देशों में 12 स्टेज शोज करेंगे। छोटा शकील चाहता है कि सोनू अपना ये करार रद्द कर अल्ताफ नाम के शख्स के साथ नया करार कर ले। दुबई के रहने वाले अल्ताफ ने छोटा शकील के जरिए सोनू पर दबाव बनाया। जब सोनू निगम ने छोटा शकील की बात को नजरअंदाज किया तो उसने सोनू को SMS करके उनकी निजी जिंदगी की बातें सार्वजनिक करने की धमकी दी। छोटा शकील ने SMS में बताया कि उसके पास निगम की उस महिला से बातचीत की पूरी ऑडियो रिकॉर्डिंग है और अगर सोनू निगम ने छोटा शकील की बात नहीं मानी तो सोनू निगम की निजी जिंदगी की तमाम बातें और राज जग जाहिर कर दिए जाएंगे। और इस अहम खबर पर और विस्तार से बातचीत करने के लिए आइए सीधे रुख करते हैं मुंबई में मौजूद अपने संवाददाता विवेक गुप्ता का। विवेक, पुलिस के सूत्रों से क्या खबर मिल रही है कि अभी तक कोई ऑफिशियल कंप्लेन सोनू निगम ने दर्ज करवाई है, और अगर करवाई है तो क्या कोई कदम उठाए गए हैं उन टेलीफोन कॉल्स के बारे में कि ये फोन कॉल्स कहां से आ रहे थे? देखिए, जो हमारे पुलिस सूत्रों से बात की उनका साफ तौर पर कहना है कि सोनू निगम और उनकी कंपनी ने सिर्फ वर्बली कंप्लेन दी है। हालांकि सोनू निगम अभी मुंबई में नहीं है तो जो क्राइम ब्रांच के लोग हैं वो सोनू निगम का इंतजार कर रहे हैं कि उनका कहना है कि सोनू निगम जब मुंबई आ जाएंगे उसके बाद उनका स्टेटमेंट लिया जाएगा कि किस नंबर से उन्हें कॉल आ रहे हैं और कितनी बार मैसेज आ चुके हैं अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील की तरफ से। लेकिन हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि जो पिछले हफ्ते की बात की जाए तो तकरीबन 4 SMS आ चुके हैं सोनू निगम के पर्सनल मोबाइल पर, और साथ ही साथ लगातार उन्हें पाकिस्तान से एक धमकी वाला कॉल भी आ रहा है जिनमें उन्हें बताया जा रहा है कि जो इवेंट कंपनी की तरफ से वो वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं 2014 में, वो इवेंट को इवेंट मैनेजमेंट की तरफ से वो पूरे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करें और जो एक अल्ताफ नाम का शख्स है उसकी कंपनी में वो वर्ल्ड टूर करें ताकि जो भी प्रॉफिट हो वो अंडरवर्ल्ड को शेयर हो और साथ ही साथ जो अल्ताफ नाम का शख्स है पूरा प्रॉफिट उसके पास आए। हालांकि सोनू निगम ने इस बात की ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दी है कि जो उनका कॉन्ट्रैक्ट वो किस कंपनी के साथ है और वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के मन में है या नहीं। हालांकि जहां तक धमकियों की बात है तो इसी तरह मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ महीनों में अंडरवर्ल्ड काफी सक्रिय हो गया है बॉलीवुड में। सोनू निगम से पहले बॉनी कपूर जो मशहूर प्रोड्यूसर है, इसके साथ साथ जो मशहूर एक्टर है अक्षय कुमार, उन्होंने भी मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारियों से शिकायत की थी कि उन्हें रवि पुजारी और अंडरवर्ल्ड के कई बड़े डॉन की तरफ से धमकियां आ रही हैं, उन्हें एक्सट्रॉक्शन के मामले आ रहे हैं। तो अब देखा जा रहा है कि पिछले कुछ महीनों में जो अंडरवर्ल्ड काफी दिनों से बॉलीवुड से दूर था वो धीरे धीरे मुंबई में फिर से पैर अपने जमाने लगा है और अंडरवर्ल्ड जो बॉलीवुड है जो हमेशा अंडरवर्ल्ड के निशाने पर रहता है, जो धीरे धीरे जो अंडरवर्ल्ड अब जो बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्ती है उनसे एक्सट्रॉक्शन या फिर धमकी भरे कॉल अब सामने आ चुके हैं। हालांकि मुंबई पुलिस ने एक एंटी एक्सट्रॉक्शन सेल की टीम भी बनाई है और एक स्पेशल टीम भी बनाई है जो इस तरीके की वारदातों को रोकने में कोशिश कर रही है। बिल्कुल, और क्या वजह है कि सोनू निगम अभी तक खुलकर सामने नहीं आए हैं? क्या सोनू निगम ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया दी है? अगर इतनी गंभीर बात हो रही है और उनको लगातार अंडरवर्ल्ड से धमकियां मिल रही हैं तो सबसे पहले जाकर पुलिस में कंप्लेन होनी चाहिए। अभी तक सोनू निगम ने ऐसा क्यों नहीं किया है? क्या किसी तरीके का दबाव है सोनू निगम पर? दबाव के देखिए, अगर इस बात के बारे में सोनू निगम ने ज्यादा कुछ तो नहीं बताया, लेकिन उनके जो PR है, जो मैनेजर है, उनसे हमारी जरूर बात है। उनका साफ तौर पर कहना है कि सोनू निगम अभी अपने वर्ल्ड टूर की तैयारी कर रहे हैं जिसकी वजह से अभी वो मुंबई में नहीं है, और मुंबई पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि अभी सिर्फ उन्हें वर्बली इस बात की इन्फॉर्मेशन दी गई है कि उन्हें धमकियां और मैसेज आ रहे हैं, अंडरवर्ल्ड से धमकियां आ रही हैं। तो मुंबई पुलिस इंतजार कर रही है कि कब सोनू निगम मुंबई आएंगे, उसके बाद उन्हें उनका पूरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा और जो नंबर्स हैं उनका वेरीफाई किया जाएगा कि ये नंबर सही में पाकिस्तान
पाकिस्तान से आ रहे हैं या फिर कोई इंटरनेशनल सिम कार्ड मुंबई में रहकर ही यूज कर रहा हो, क्योंकि इससे पहले सीधा जो भी अंडरवर्ल्ड के जो लोग होते हैं वो हिंदुस्तान में बैठकर मुंबई में ही बैठकर इंटरनेशनल सिम कार्ड यूज करते हैं और जिस नंबर से वो कॉल करते हैं किसी को भी, तो दूसरे के फोन नंबर वो इंटरनेशनल नंबर दिखता है। तो मुंबई पुलिस को ऐसा शक है कि शायद कोई शख्स मुंबई में बैठ के या फिर महाराष्ट्र के अलग इलाकों में बैठ के इंटरनेशनल सिम कार्ड यूज कर रहा हो, तो इसलिए मुंबई पुलिस इंतजार कर रही है कि जब सोनू निगम मुंबई आ जाएंगे उनका स्टेटमेंट लिया जाएगा और जो नंबर वो बता रहे जो सोनू निगम दावा करेंगे नंबर से SMS आ रहे हैं और धमकी भरे कॉल आ रहे हैं उनकी वो पुख्ता करेगी नंबर कहाँ से हैं और किसके हैं। इप्सिता बिल्कुल शुक्रिया विवेक, इस अपडेट के लिए नजर बनाए रखेगा। तो अभी तक सोनू निगम ने कोई